फिश फार्म नालागढ़ पे रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का एक नया प्रोजेक्ट था जो लास्ट ईयर हमने इंस्टॉल कर दिया था, कमीशन किया था, इसको फंक्शनल किया था। उसमें लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम हमने कल्चर किया था पेंगेशियस सूची। ये एक ऐसी मछली प्रजाति थी जो पहले कंट्रोल्ड कंडीशंस में कल्चर इसका प्रॉपर नहीं हो पाया था, लेकिन इसका कल्चर करने के पश्चात जो है अच्छी इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है इसकी फिश फार्म नालागढ़ पे आई है। तो इससे इंस्पिरेशन लेके हमने इस साल एक नई फिश वैरायटी जो रूपचंदा, जो कि एक दूसरी कैटफिश है, उसका कल्चर जो है हमने इंट्रोड्यूस किया है पिछले कल ही। इसका सीड जो है नालागढ़ फिश फार्म पे डाला गया है। 11,000 फिंगरलिंग जो है वो हमने वेस्ट बंगाल से मंगवाए थे कोलकाता से, और कल वो सेफली जो है इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में। अगर ये हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट है ये कामयाब रहता है तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा हमारे फार्मर्स के लिए, कि ये टेक्नोलॉजी जो है लेटर ऑन हम डिसेमिनेट करेंगे अपने फार्मर्स को, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा कि कम पानी में, अब ये लगभग 4 टैंक में हम ये फिश जो है वो कल्चर कर रहे हैं, और लगभग 90 क्यूबिक मीटर का वो एक टैंक रहता है, तो काफ़ी कम स्पेस में और काफ़ी कम पानी में इस फिश को जो है वो कल्चर जो है किया जा रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट जो है हमारा कामयाब रहता है तो इससे हमारे फार्मर्स की जो लाइवलीहुड है उसमें एक नया अध्याय जो है वो ऐड हो जाएगा। जहाँ तक इस फिश की बात है तो मैं बताना चाहूँगा कि इस फिश की बहुत अच्छी एक न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल जो है फिश वैल्यू रहती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कंट्रोल करते हैं या कम करते हैं। सिमिलरली इसमें बहुत अच्छे इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और इस मछली की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका 300-400 ग्राम का साइज भी मार्केटेबल है। उसकी अच्छी फिश की वैल्यू जो है वो हमारे फार्मर को मार्केट में मिलती है। अमूमन जो कार्प प्रजाति की मछलियां हैं उनके रेट जो है 150 से 200 रुपया किलो प्रति किलोग्राम जो है हमारे फार्मर को मिल रही है, लेकिन इसका 250 से 300 रुपया प्रति किलोग्राम का रेट जो है वो हमारे फार्मर्स को मिलेगा। तो आने वाले समय में एक बहुत अच्छा एडिशन रहेगा हमारी फिशरीज में इस फिश के सक्सेसफुल कल्चर होने के पश्चात। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।